Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. Hello. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट आज़म रियाज और पारस छाबड़ा के बारे में एक स्पेशल न्यूज़। जैसे आप सभी को पता होगा, घर के अंदर ये दोनों झगड़ते भी थे, लास्ट में दोनों सही से रहने भी लग गए थे। हाल ही में पारस छाबड़ा ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे पूछा गया कि आप आसिम के बारे में क्या कहना चाहोगे, घर के बाहर फिक्स विनर की बात चल रही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप सिद्धार्थ के बारे में क्या कहना चाहोगे। जब उनसे पूछा आसिम के बारे में तो उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, आसिम विनर बना है, लेकिन पब्लिक यही कहेगी, पब्लिक आसिम के फैंस हैं वो आसिम को कहेंगे कि आसिम रियल विनर है, मेरे फैंस मुझे कहेंगे कि मैं रियल विनर हूँ, सिद्धार्थ के फैन उसे कहेंगे कि वो रियल विनर है। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया सिद्धार्थ के बारे में, तो सिद्धार्थ को लेकर क्या बोलोगे, तब उन्होंने कहा कि मैं सिद्धार्थ के लिए बहुत खुश हूँ, वो विनर बना है। और साथ साथ उन्होंने एक ऐसी बात कह दी, मुझे नहीं लगता ये कहनी उन्हें ज़रूरी थी। उन्होंने कहा कि यस, अगर मैं जीतता तो ट्रॉफी मेरे पास आनी चाहिए थी, अगर अब सिद्धार्थ जीता है तो अब सिद्धार्थ के पास गई है। यानी कि अगर हम दोनों में से कोई जीतता है उसी के पास ट्रॉफी जानी चाहिए थी, अगर किसी और के पास जाती तो मुझे लगता है कि ये फिक्स्ड विनर होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आसिम के जितने भी फैंस हैं, शहनाज के फैंस, आरती के फैंस और भी रश्मि के फैंस, उनको कहीं ना कहीं पारस छाबड़ा नाराज कर चुके होंगे, क्योंकि जनता का प्यार हमने देखा है, आसिम को बहुत मिल रहा है, शहनाज को भी प्यार मिल रहा है, आसिम को भी प्यार मिल रहा है, ऐसी बात नहीं सिद्धार्थ को नहीं मिल रहा, सिद्धार्थ को भी मिल रहा है, लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा देखें तो आसिम को ही प्यार मिल रहा है। और बिग बॉस के कंटेस्टेंट के द्वारा अगर ये चीज़ कहना, क्योंकि अभी तक आपको पता होगा आसिम ने ये चीज़ नहीं कही है कि ये जीतता तो फिक्स विनर होता, वो जीतता तो फिक्स विनर होता, सिद्धार्थ ने भी नहीं कही, लेकिन पारस ने ही यही बात की है कि अगर मैं नहीं जीतता और सिद्धार्थ नहीं जीतता तो मैं बोलता कि ये फिक्स विनर है। तो इस तरह से कुछ बातें कह चुके हैं पारस छाबड़ा एक इंटरव्यू में। आपको क्या लगता है कि पारस छाबड़ा कितने सही है, कितने गलत है, और आपकी नज़रों में कौन है रियल विनर? बिग बॉस ने तो घोषित सिद्धार्थ को किया है, लेकिन आप किसे विनर देखना चाहते थे? इसी तरह से अगर आपको लेटेस्ट अपडेट जाननी है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए धन्यवाद।